नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कैलाश और आप देख रहे हैं सीमा इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों, मैं आज आपके सामने कूलर की किट रिपेयर करने के लिए लेकर के आया हूं, जिसमें कमी ये है कि ये जो चलते चलते इसकी स्पीड कम हो जाती है और बहुत तेज़ आवाज़ आने लग जाती है। तो फ्रेंड, इसके अंदर जो आप सोचोगे कि बुश और शाफ्ट की कमी है, लेकिन इसके अंदर बुश और शाफ्ट की कमी नहीं है। तो ये केस जो बहुत कम आते हैं, लेकिन मैंने सोचा आपको इसके बारे में जानकारी दी जाए, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा केस आ सकता है। तो चलिए इसको खोलते हैं और इसमें क्या कमी है मैं आपको खोल करके बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसे खोल लेंगे, चारों पेंच हम ये वाले खोल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने चारों पेंच जो खोल लिए हैं। अब इसे हमें सीधा करके ये ऊपर का वाला कवर जो है हटा लेना है। तो देख सकते हैं मेरा कवर जो है बहुत आसानी से निकल चुका है। तो आप देख सकते हैं मैंने ऊपर वाला कवर हटा दिया है। अब इसके अंदर से रोटर को हम बाहर निकालेंगे। तो फ्रेंड, इसके बुश और शाफ्ट बिल्कुल सही है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, बुश शाफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ज़रा सी भी प्ले नहीं है। मेरा पूरा देख सकते हो रोटर और जो कवर है एक साथ हिल रहा है। तो इसमें जो है कोई कटे का निशान नहीं है, बिल्कुल बुश और शाफ्ट हमारे बिल्कुल क्लीन है। तो कमी फ्रेंड्स मुझे पता है कि क्या है, तो मैं आपको भी शेयर करना चाहूँगा। तो देख सकते हैं मैंने रोटर पकड़ रखा और ये शाफ्ट जो देख रहे हो, तो शाफ्ट को जैसे ही मैं घुमा रहा हूँ तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स मेरी जो शाफ्ट जो हिल रही है इसके अंदर से, ये देख सकते हो मेरा पीछे निकल चुका और अंदर खींचा तो ये अंदर भी जाने लग गया। मेरी जो शाफ्ट जो है ढीली है इस रोटर के अंदर से। तो बस जरा सी कमी के कारण जो है ये बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा था और इसकी स्पीड जो है कम हो जा रही थी। वो क्यों कम हो जा रही थी फ्रेंड्स, ये हमारा रोटर तो घूमता था लेकिन ये शाफ्ट को नहीं घुमाता था। तो शोर मचाने का कारण यही था और स्पीड कम का कारण भी यही है। तो फ्रेंड, इसको करना क्या है हमें, ये देख सकते हो आप, शाफ्ट डाल सकते हैं या तो यहाँ पे चोट मार के इसको जाम भी कर सकते हैं। हालांकि मैं पहले इसे निकाल लूँ, तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स मेरा जो बहुत ही ईजिली निकल चुका है, बिना हथौड़ी से ठोके मैंने काउंटर पर ही अपने ठोका इसे और ये मेरा बड़े आराम से निकल चुका है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं नई इसके अंदर शाफ्ट डालूँगा। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा जो किसी ने पहले डाला था तो ये घिस के डाला था और हमारा जो है लूज गया था, तो फ्री होने का कारण यही है। मैं नई शाफ्ट डालूँगा तो ये वाला जो हिस्सा घिसा हुआ नहीं डालूँगा, तो हमारी शाफ्ट जो है रोटर के अंदर बिल्कुल टाइट जानी चाहिए, तो हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड आप देख सकते हो मैंने जो है नई शाफ्ट ले ली है। नई शाफ्ट हमारी थोड़ी सी छोटी है लेकिन इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी पंखड़ी जो है अंदर घुस के चल रही थी, ये पहले शाफ्ट जो है बाहर निकली हुई थी, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। हम इस वाली शाफ्ट को डालेंगे। फ्रेंड्स डालने से पहले हमें क्या है, यहाँ पर जो है हथौड़ी से थोड़ा थोड़ा पीट लेना होगा। पीटने से क्या होगा, ये वाला जो पत्तियाँ थोड़ी अंदर की साइड आ जाएंगी, तो इसलिए हमारा ये टाइट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको ठोक लेता हूँ और ये शाफ्ट भी ठोक करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ वाले हिस्से को जो इस तरीके से चोट मार देनी होगी। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा जो है थोड़ा सा अंदर दब जाएगा, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो हमें एक ही साइड मारना होगा, दूसरी साइड से फ्रेंड्स हम शाफ्ट घुसाएंगे तो इसलिए यहाँ से नहीं मारेंगे। तो एक साइड में मार चुका हूँ, तो शाफ्ट चलिए घुसा लेता हूँ मैं। तो देख सकते हैं मेरी शाफ्ट जो टाइट हैगी यहाँ पे, तो इसे मैं यहाँ से इस तरीके से ठोक लूँगा। तो देख सकते हैं ये मेरी शाफ्ट जो है बिल्कुल टाइट जा रही है, हालांकि उतनी टाइट नहीं है फ्रंट, लेकिन हमारी जो है काम चलाने लायक बहुत ही अच्छी हो चुकी है शाफ्ट। तो चलिए मैं इसे फिट कर लेता हूँ। तो फ्रंट आप देख सकते हो हमारा रोटर जो अच्छी तरीके से ठोक चुका है, तो अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जाम हो गया। हालांकि बिल्कुल ज़्यादा जाम नहीं हुआ है, तो जितनी हमें ज़रूरत थी उतना ये जाम हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड इसे फिट कर लेते हैं हम। तो फिट करने के लिए जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, कोई भी हम बुश वाली मोटर खोलते हैं उसे रिपेयरिंग के लिए, तो उसके अंदर हमें मोबिल ऑयल जो है ज़रूर डालना चाहिए। तो देखिए मैं इसके नमदों में ऑयल डाल दे रहा हूँ, तो मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। तो इस वाले कवर में भी हम ऑयल डाल देंगे। हमारे जो रुई के नमदे हैं उसके अंदर हमें तेल डालना है, तो यहाँ पे भी डल चुका है। अब इसके अंदर वार्शल लगा करके स्पेसर, ये डल गया हमारा और ये वार्शल जो है थोड़े बहुत हमने डाल दिए।
तो हमें वायर सेल इतना डालना है कि हमारे स्टेटर और रोटर बिल्कुल बराबर बीचों बीच आना चाहिए। तो ये देखिए मेरा एक्यूरेट एक ही बार में आ चुका है, स्टेटर और रोटर जो हमारा बीचों बीच एकदम सेट हो चुका है। इसके अंदर डाल दिया हमने ऊपर वाला स्पेसर, ये वायर सेल जो इसमें निकली थी वही भी डाल दी हमने, और जो है इसको ठीक उसी तरीके से चारों पेच हम लगा देंगे। तो हमारा ये फ्रेंड्स बिल्कुल ओके हो चुका है। चारों पेच मैं लगा लूँगा इसके अंदर। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मैं जो इसकी चारों सिलाइयाँ लगा करके अच्छी तरीके से कर चुका हूँ, मेरा ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो आइए मैं इसे एक बार चला करके दिखाता हूँ। तो चलाने के लिए फ्रेंड्स ब्लैक और ब्लू वाली वायर हम लगाएंगे, हाई स्पीड पर चलाएंगे इसको, देख सकते हैं मैंने इसको लगा दिया है ये और तुरंत चल गया। तो अब हम इसको पकड़ेंगे फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरी पावर से चल रहा है। अब हमारा जो रोटर है बिल्कुल फ्री नहीं हो रहा शाफ्ट से, तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड आप देख सकते हैं मेरी जो कूलर की किट जो बनकर अच्छी तरीके से हो चुकी है कंप्लीट। तो आपने देखा फ्रेंड बिल्कुल यूनिक फॉल्ट था हमारा, जो हमारा रोटर था वो शाफ्ट को पकड़ करके नहीं चल रहा था। तो इस कमी को किस तरीके से पहचानेंगे फ्रेंड, चला करके इसको अच्छी तरीके से पकड़ लेंगे तो हमारा रोटर जो है घूमने लगेगा, तो आपको कमी पता चल जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। फ्रेंड आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।